भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 11 अगस्त को ट्रिनिडैड के स्टेडियम में खेला जाएगा। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस दूसरे वनडे मुकाबले के लिए आपको बिल्कुल सटीक वेदर रिपोर्ट बताने वाले हैं और साथ ही साथ बताने वाले हैं उन दो बड़े झटकों के बारे में जो भारतीय टीम को इस वनडे मुकाबले से पहले लग गए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी दूसरे वनडे मुकाबले की बड़ी बड़ी खबरें और साथ ही साथ वेदर रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम दूसरे वनडे मुकाबले में एक जबरदस्त जीत हासिल करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर सबसे पहले दूसरे वनडे मुकाबले की वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पहला वनडे मुकाबला था वो बारिश के कारण रद्द हो गया था। और दोस्तों अगर इंटरनेट पर हम दूसरे वनडे मुकाबले के लिए वेदर रिपोर्ट चेक करते हैं तो दोस्तों उनके मुताबिक एक्यूवेदर के मुताबिक यह बताया जाता है कि 11 अगस्त को यानी कि जिस दिन यह मुकाबला होना है उस दिन आपको यह मुकाबला एकदम पूरा 50-50 ओवर का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बादल तो उस दिन बने रहेंगे क्योंकि दोस्तों इसके अगले पिछले जो दिन होने वाले हैं यानी कि 10 अगस्त 12 अगस्त 13 अगस्त इन दोनों जोरदार बारिश होने वाली है, परंतु 11 अगस्त को इस वक्त क्लियर वेदर बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसी वजह से हम ये तो मान सकते हैं कि इस मैच का पूरा होने की अभी थोड़ी आशा है, परंतु फिर भी दोस्तों बादल के रहने से इस मैच में भी बारिश का थोड़ा सा अंदाजा जरूर रहने वाला है। तो दोस्तों अब अगर वेदर रिपोर्ट के बाद बड़ी बड़ी खबरों के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहली बुरी खबर तो यही है कि इस मुकाबले में भी आपको बारिश का खतरा रहने वाला है। पूरी तरह से बारिश का खतरा अभी भी इस मुकाबले के ऊपर से नहीं टला है। तो दोस्तों अब अगर दूसरी सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करें तो दोस्तों वो आती है वेस्ट इंडीज के बैटिंग ऑर्डर को लेकर। दोस्तों आप जानते ही है कि भारतीय टीम के बैटिंग ऑर्डर की तरह ही वेस्ट इंडीज का बैटिंग ऑर्डर ही बहुत बड़ा है। और दोस्तों भारतीय टीम के लिए इस वक्त जो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा खतरा साबित हो सकते हैं वो रह सकते हैं इवन लुइस। दोस्तों आप जानते ही है कि इवन लुइस का पिछले कुछ सालों में भारत के खिलाफ प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। हालांकि T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन बिल्कुल फ्लॉप रहा था, परंतु दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में इवन लुइस भारत के खिलाफ थोड़े वापस में टच में दिखे थे, तो इसी वजह से दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को इवन लुइस से बचकर जरूर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों यह थी दूसरे वनडे मुकाबले से पहले की बड़ी बड़ी जानकारियां। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम दूसरे वनडे मुकाबले में जीत सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।